सेकेंड क्लास, आज हम अपना लेसन नंबर 34 कर रहे हैं, जिसमें इंडिया एट द ओलंपिक्स, इंडिया कैसे ओलंपिक से इंडिया का कैसा रिलेशन है वो पढ़ेंगे। इंडिया पार्टिसिपेट इन द 2012 समर ओलंपिक इन लंदन। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 2012 में समर ओलंपिक में, जो कि लंदन में हुए थे, फ्रॉम 27 जुलाई टू 12 अगस्त 2012। तो ये कब से कब तक चला था? 27 जुलाई से 12 अगस्त तक चला था 2012 में। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएट सेंट द नेशंस लार्जेस्ट डेलीगेशन टू द गेम्स इन ओलंपिक हिस्ट्री। तो जो इंडियन एसोसिएशन होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में भेजता है लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें क्या क्या होता है कि ओलंपिक, अ टोटल ऑफ 83 एथलीट्स थे उसमें, इंक्लूडिंग 16 मैन और 23। 83 टोटल बताया है, जिसमें से 60 जो थे वो मैन थे और 23 जो थी वो वुमेन थी। कम्पीट इन 13 स्पोर्ट, इन्हें कम्पीट करना था मतलब कॉम्पिटिशन करना था 13 स्पोर्ट्स, 13 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स थे। अब देखो, अब और मेडलिस्ट यहाँ पे दे रखा है कि किसको क्या क्या मिला था। सिल्वर मेडल मिला था विजय कुमार को शूटिंग के लिए, सिल्वर मिला था सुशील कुमार को रेसलिंग के लिए, ब्राउन्स मिला था गगन नारंग को शूटिंग के लिए, ब्राउन्स ये सारे। तो सानिया नेहवाल को बैडमिंटन के लिए मिला था ब्राउन, मैरी कॉम को बॉक्सिंग के लिए, योगेश्वर दत्त को रेसलिंग के लिए। ठीक है, इवेंट क्या थे, इनको मतलब शूटिंग करनी थी, इनका था 4 अगस्त को, इनको फ्री स्टाइल रेसलिंग करनी थी, इनका 12 अगस्त, फायर करना था राइफल से, तो 13 जुलाई, 4 अगस्त, 8 अगस्त और 11 अगस्त, ये इनकी डेट दे रखी है कि इन्होंने कब कब ये जीता था और किस किस में। अब अगला है आपका कि आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी शो इन द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फॉर द ब्रैकेट। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे रखी है, उसके हिसाब से आपको इसको फिल करना है। विच स्टेट इज़ शी फ्रॉम, ये कौन से स्टेट से आती हैं, तो ये आती हैं मणिपुर से। तो दो ऑप्शन थे आपके पास, बिहार या मणिपुर, तो ये मणिपुर से आती हैं। शी ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द, इनको और कौन सा अवार्ड मिला है, भारत रत्न या पद्म भूषण, तो इन्हें पद्म भूषण मिला है। शी विन अ ब्राउन मेडल एट 2012 लंदन ओलंपिक एंड गोल्ड मेडल एट, ठीक है, तो इन्हें ब्राउन्स और गोल्ड दोनों मेडल मिले हैं 2014 में और 2012 में। इनका नेम क्या है, इनका नेम है मैरी कॉम या पीटी उषा, इनका नाम है मैरी कॉम, तो मैरी कॉम पे हम टिक करेंगे। अगला है आपका टिक द करेक्ट आंसर, हु विन अ सिल्वर मेडल एट द लंदन ओलंपिक इन 2012 इन मैन फ्री स्टाइल 66 kg कैटेगरी फॉर रेसलिंग। जो कैटेगरी जो रेसलिंग में जीते थे 66 kg की उसमें जीते थे, उनका नाम क्या है, सुशील कुमार या योगेश्वर दत्त, तो सुशील कुमार नाम है इनका। इन विच स्पोर्ट हैज़ इंडियन विन 8 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक, कौन सा गेम था जिसमें इंडिया को 8 गोल्ड मेडल मिले थे, हॉकी या बॉक्सिंग, तो हॉकी था। अच्छा, लास्ट है आपका, हु विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द लंदन ओलंपिक इन 2012 इन मैन 10 मीटर एयर रिफल इवेंट, जो 10 मीटर पे जो शूट करना था उसमें किसको मिला था, अभिनव बिंद्रा या गगन नारंग, तो गगन नारंग को मिला था। ये सारा काम आपको कॉपी में करना है, ये जो दिखा रखा है टेबल ये भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ठीक है, अगला, इसके बाद हम एक और लेसन करेंगे, लेसन कर रहे हैं उसका नाम है कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अ कॉम्बैट स्पोर्ट इज़ अ कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स, ये ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें दो लोग कम्पीट करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन करते हैं, वे टू प्लेयर्स आर कॉम्पिटेंट अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ठीक है, यूजिंग सर्टन रूल्स एंड टेक्निक्स, तो उनमें उनको कुछ रूल्स दिए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जिनको उन्हें यूज़ करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है। सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू फाइंड द नेम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, तो ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, दो लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, उन स्पोर्ट्स के यहाँ पे आपको नाम अनस्क्रैम्बल करके दे रखा है, आपको सही नाम लिखना है। तो इसका क्या है, बॉक्सिंग, फेंसिंग, जूडो, टेकबुट, सूमो और कराटे, ये सारे नाम हैं। इसमें आपको बस ये करना है कि एक तरफ आपको सारे जंबल वर्ड लिखने और एक तरफ आपको सही नाम लिखना है, पिक्चर विक्चर कुछ पेस्ट नहीं करनी है, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है, पीडीएफ बना के हमें सेंड करनी है और काम कंप्लीट रखना, क्योंकि हो सकता है कि शायद स्कूल खुल जाए तो आपका काम कंप्लीट रहना चाहिए। ओके बेटा, बाय।